अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मैं हूं मोहम्मद अली नासिर। व्यूअर्स, मैं आज आपको एक ऐसे ख़ानदान के साथ मिलाऊंगा जो 30 साल के बाद नाबीना हो जाते हैं, इनकी बेनाई चली जाती है। जितने भी बहन भाई यहां पर मौजूद हैं उनके साथ यही मसला है। टोटल इस ख़ानदान के माँ बाप डालकर 7 अफराद हैं बहन भाइयों पर मुश्तमिल है। अभी जो लोग मेरे साथ मौजूद हैं, एक ये भाई मौजूद हैं, इसके अलावा इनके पीछे बैठे हुए हैं इनकी सिस्टर और ये इनके वालिद साहब हैं। इनको यही मसला है, वालिद साहब से भी गुफ्तगू करेंगे कि वो कब से इनको ये मसला है, और जो बाकी बहन भाई बैठे हुए हैं इनको यही मसला है कि पहले वो बिल्कुल ठीक ठाक थे, जैसे ही वो 30 साल के होते हैं तो इनकी आँखों की जो रोशनी है वो चली जाती है। ज़िंदगी ऐसी सूरत हाल में गुजारना बहुत मुश्किल होता है, ये दर्द हम इन्हीं की ज़बानी आपको सुनाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। सब तो पहले तो यह दसो कि वाकई यह सच है कि 30 साल की उम्र से जो तुम सारे भैन भरा जाते हो तो तुम्हारी अखों की रोशनी चली जाती है। हाँ जी। तो डॉक्टर ने जो तुम चेकअप करवाया है? हाँ जी, चेक करवाते रहे। डॉक्टर ने कहा भी तुम्हारी नज़र वजह से खराब हैगी। की कहते हैं कि मसला है, वजह भी तो कोई दसी होगी ना कि किस वजह तू नज़र का मसला है? एक होगा, दो होगा, सारे भैन भरावान भी यही मसला है। साड़ी खानदानी नज़र खराब है ना, साढ़े वाला साहब भी खराब थी नज़र, उन्होंने नज़र 50 साल हो गए खराब हुई नू, उस तो बाद साड़ी भी आस्ता आस्ता उन्हें ही लैन दे ही आ गए हैं। जिम्मे साड़ी उम्र ज़्यादा होती जाती, साड़ी नज़र घटती जाती, बिल्कुल ही नज़र बंद हो गई, हूँ नबीने वाला हिसाब हो गया। तो दिन के टाइम नज़र थोड़ा बहुत आता, किन्ना फर्क पैंदा रात आंदा नज़र? अच्छा, आंदा सी नज़र, सारा कुछ नज़र आंदा सी। एक अख मेरी बंद हो गई है, रहमत अस्पताल आया चेक किया, उन्होंने कहा तुहाडे पिछे अखां दे पर्दे कोई नहीं है, खत्म हो गए ना, तो मजीद हुई है कम छड़ दिओ। उस तो बाद अभी कम छड़ दिया, फिर भी अख बंद हो गई। सारे भरा इस टाइम नबीना है तुहाडे? सारिआं दी उम्र 30 उत्ते चली गई होईआं ने। मसलन के मेरे थारे भरावां दी आंदी नज़र खराब है। अच्छा, भैन भरावां सारे ही नज़र खराब है, किसी की नज़र जी है ना, जानी कि जिस तरह दूसरे इंसानों ने रात में बत्ती चली जाती है वेख सकते हैं फिरते तुरते हैं, असी नहीं, असी जानी कि साड़ी इन्नी नज़र होने के बावजूद भी असी बत्ती चली जाती, असी अपनी जगह पर बैठे रहने हैं। जिन्होंने थोड़ा बहुत नज़र आता भी है ना, वो रात के टाइम बत्ती चली जाए नहीं उठ के नहीं इधर उधर होंगे। अच्छा, तो हम यह दसो कि घर का कोई ऐसा फर्द है जो कोई नौकरी शौकरी कर रहा हो, कोई घर के बाकी अफराद की मदद कर रहा हो, खान पीन राशन लिया रहा हो, कोई ऐसा भैन भरा मौजूद है इस टाइम? मसलन कोई ऐसा भरा ऐसा है जो कोई कम शम कर रहा है, ताकि मदद कर रहा हो? क्योंकि सारी गल ढाड़ी अखा चली गई ने, तो कम तो तक मतलब ऐसा कोई भरा नहीं कर रहा, सारे मतलब कि एक दूजे की मदद करनी, अपना ढिड नहीं पूरा होंगे पाया। यह छोटा भरा सारे इनकी शादी नहीं की, जमान का थकला है, तो एस बी वाले को काम कर रहा है, 8000 रुपया की तनखा है इनका। हूँ सारे खाने वाले, मैं भी वक्रा, मेरे तो व्डा भी वक्रा है। किन्ने भरावान की शादी हुई हुई है? जी मतलब कि दो भरावें शादी हुई है ना। अच्छा। दो दिन ही की, दो दिन ही की। एक जो मेरे तो छोटा है, वह मेंडो हॉस्पिटल पागल खाने की दवाई खाता है, तो यह सारे ना छोटा है, इनकी भी नहीं शादी की, मतलब कि तनखा थोड़ी वजह नहीं की शादी। ठीक है, भैन की शादियां हुई हुई ने? हाँ जी, वे शादी। हाँ जी, भैन की शादी की। खुशहाल जिंदगी है अपने खानदान के नाल? सही ने। नहीं, मेरे तो छोटी जी अपने घर ठीक हैगी। अच्छा, दो दी है, दो जनी है उजड़ के बैठी है, इन्होंने तलाक हो गई। की वजह हैगी? मसलन के बस यही समझ लो, गरीब अखों तो पता नहीं लगता, दिमाग मोटा है, मतलब कि नहीं कन्ना तो सुने जाता, अखों नहीं देखा जाता, यही वजह है। अच्छा, तो तुसी 30 साल तो पहले ताड़ियां अखां सही सन, तुसी कम शम कर रहे सीगे? हाँ जी, बिल्कुल सही नज़र आता सीगा। हाँ जी, तो 30 साल तो बाद जो अखां चली गई ने, तो की तुहानू कोई अपनी फीलिंग्स दस सकते हो कि कितना दुखी हो, कितना ताड़े अंदर दर्द है कि जिहड़ा तुसी बयान करना चाहते हो? की पता साडे मुल्क दा जिहड़ा ऐसा तबका सुनने तो बाद महसूस करे कि ताड़ी कोई मदद हो जाए, कोई अपने अंदर की आवाज दस सकते हो कि एको दम 30 साल तो बाद अखां दी रोशनी चली जाए? तो खरोशनी चली गई, अल्लाह की मर्जी है ना, अं कर सकते हैं, मतलब कहता भी साढ़ा दिल कर रहा, साड़ियाँ अखा हो, असी भी कोई भज के कि भज के बाहर जाइए, कोई चीज़ लैके आइए, कोई काम कार करिए, अपना कारोबार करिए, पैसे कमाइए, लेकिन साढ़े वच नहीं है, अखा नहीं जवाब दे गई। किन्ने बच्चे ने ताडे? मेरी एक बेटी एक बेटा। किन्ने साल के है? मेरी बेटी 17 साल की है, बेटा मेरा 14 साल है। पढ़ाई कर रहे हैं? नहीं, बेटी इसे कराया बस,
बेटा नु नहीं पढ़ा सकया ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਸਲਾ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਈ ਦਾ ਨਹੀਂ ਬੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਸਹੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿਸਿਸ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਹੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਖੁਸ਼ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਤਰਾ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵਾਈਫ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਜ਼ੀ ਨੇ ਇਸ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬੀਵੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੀਵੀ ਮੇਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹਨ 7 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਨਾਈ ਚਲੀ ਗਈ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈਗਾ ਛੱਡ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਲਕ ਰੱਖਣਾ ਛੱਡਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ व्यूअर्स आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है ये इनके भाई हैं कोशिश करते हैं इनसे भी गुफ्तगू करने की हाल है जी जी की करते हो पिंड का काम करना है अच्छा कितनी उम्र हो गई है ताड़ी तत्ती साल है अच्छा तीन छे मदद शदद करते हो अपने माँ प्यो की भैन भरावान की करते हो जी ठीक हो गया ये इनके भाई इनकी आंखें जो उनसे कदरे बेहतर है अब हम इनकी सिस्टर से गुफ्तगू करते हैं तुम जरा इधर आइयो अस्सलाम वालेकुम रात बत्ती चली जाए तो रात नहीं पता लगता मैं अजे अखा भी नहीं चेक करवाई मेरे भैन भरावा ने सब ने चेक करवा लिया ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਜਦੀਦ ਸਿਸਟਮ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਛ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਮੋਤੀਆ ਉਤਰਿਆ ਕਿ ਟਾਈਮ ਲੱਗੇਗਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਖਾਧੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਬਚ ਕਰਤੀ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਰੋਸ਼ਨੀ ਜਦੋਂ ਚਲੀ ਗਈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਮਨ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਸਹੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਚਾਚੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਅੱਛੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਿਆ ਕਿ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸੁਣਦੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਾਗਲ ਹੈਗੀ ਜੋ ਕੁਛ ਹੈ ਮੈਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ 30 ਸਾਲ ਦੀ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀਗੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਹੁਣ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਬਸ ਰਾਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਮੈਂ ਘਰ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਦਮ ਟੈਨਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਫਿਰ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਇਦਾਂ ਬੀਨ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਬਣ ਕੇ 45 ਕੁਛ ਹਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਮੀ ਅੱਬੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਕੰਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖਾਨਦਾਨੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਦੀ ਅੰਮੀ ਅੱਬੂ ਦੀ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਰਿਆਸਤੇ ਮਦੀਨਾ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਮਦੀਨਾ ਵਰਗੀ ਰਿਆਸਤ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਮਦੀਨਾ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਪੈਗਾਮ ਅਸੀਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਬੋਲੋ ਮਦਦ ਕਰੇ ਕੋਈ ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਆਰਡਰ ਕਰੇਗਾ ਇੱਕ ਹੁਕਮ ਦੇਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਚੈੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਹੋਰ ਜੋ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਅਗਰ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਰੂੰ ਦੱਸਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ ਬੱਚੇ ਬੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਨੇ ਅਸਾ ਸ਼ਾਦੀ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮੇਰੇ 11 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਅੱਛਾ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਛਾ ਵੀਵਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਇਨਕੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਹੈ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ जी व्यूअर्स जी इनके वालिद साहब थे इनको भी यही मसला इनका ये कहना है कि जब ये 45 साल की उम्र के थे तो इनकी आंखों की रोशनी चली गई बहन भाई हैं इस खानदान का यही मसला है कि जब ये 30 साल से ऊपर होते हैं तो इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है बड़ा मुश्किल लम्हा है हमें यहाँ तक जो लेकर आए थे अल खिदमत फाउंडेशन वाले थे उन्होंने इनकी मदद की उन्होंने ही हमें बताया वही यहाँ तक हमें लेकर आए हैं अगर कोई इस मुल्क के अंदर अगर कोई सुन रहा हो जिसको अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा नवाजा हो जो मदद कर सकता है वो ऐसे लोगों की मदद करे इससे दुनिया में भी आपके लिए आसानियाँ हैं और आखिरत में भी अल्लाह ताला आपके लिए मज़ीद आसानियाँ पैदा करेगा व्यूअर्स एक नंबर हम मेंशन कर रहे हैं स्क्रीन पर अगर आप इनकी मदद करना चाहते हैं तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता कर सकते हैं व्यूअर्स हमें नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें अपना बहुत ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़